एंटीएयूजीसी ने यानी निमेजिनेट डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड सबसे पहले हम थ्योरी क्लास करेंगे। थ्योरी में हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डिटेल में जानेंगे और उसके बाद में इससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस आए हैं उसका हम लाइव मॉक टेस्ट लेंगे और आप देखना आपने इस दौरान क्या सीखा है और कितना कुछ आपको आया है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, पहले थ्योरी देखना और उसके बाद में लाइव मॉक टेस्ट जरूर देना। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजिनेट प्रो पे। दोस्तों आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम न्यू टॉपिक करने वाले हैं अपडेटेड सिलेबस के अनुसार। और ये नए टॉपिक दोस्तों अब हमारे एग्जाम में आने लग गए हैं, पहले के एग्जाम में नहीं आते थे। और अगर आपको JRF लेना है तो इन टॉपिक को करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन टॉपिक में अगर हम बात करें तो दोस्तों आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं, सिक्स थिंकिंग हेड सिस्टम, टीचिंग मॉडल, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल, 4 RS अप्रोच मॉडल, द थ्योरी ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग। और इन थ्योरी से रिलेटेड दोस्तों हम साथ के साथ क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको। पहले हम थ्योरी करेंगे सभी और उसके बाद में इनसे रिलेटेड जो भी हमारे नए क्वेश्चन आए हैं वो हम करेंगे, ताकि आप हर एक टॉपिक को अच्छे से समझ सके। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों एनटीयूजीसी नेट एग्जाम 2023 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी, नंबर तीन पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2022 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2022-23 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, ICT के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और DI के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी, जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसकी कोर्स की प्राइस हम बात करें तो 7,000-8,000 रुपए इसकी फीस बनती है, लेकिन आपसे इतना पैसा नहीं लिया जा रहा दोस्तों, आप 500 से लेकर 1,000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इनसे रिलेटेड थ्योरी की। सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं हमारा सिक्स थिंकिंग हेड सिस्टम, और ये किसने दिया था और इसमें क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। वैसे तो देखा जाए दोस्तों हर एक थ्योरी अपने आप में बहुत बड़ी होती है, लेकिन हमें उन्हीं चीजों पे फोकस करना है जो UGC नेट एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसमें एक मिनट रुकिए। हाँ जी, ये देखिए सबसे पहले हम करने वाले हैं सिक्स थिंकिंग हेड सिस्टम, और सिक्स थिंकिंग हेड सिस्टम एक अवधारणा है जिसे किसने दिया था दोस्तों, डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो द्वारा विकसित किया गया था। और इसे सबसे पहले सिक्स थिंकिंग हेड्स एक पुस्तक थी 1985 में प्रकाशित किया गया था। और इसके अंदर क्या है कि अलग अलग टोपियां दी गई है, उन्होंने उनका नाम दिया गया उन टोपियों का और उनका क्या अर्थ है वो हम जानने वाले हैं और उन्हीं से हमारे क्वेश्चन आए हैं। अलग अलग टोपियां मानव मस्तिष्क के विभिन्न संज्ञानात्मक कार्यों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि प्रत्येक जो टोपी है वो ये बताती है कि मनुष्य किस तरीके से सोचता है, उसके सोचने का तरीका क्या है, उसकी फीलिंग्स के बारे में वो बताती है। जिन्हें शिक्षक या फिर फैसिलिटेटर द्वारा बैठकों या अभ्यासों के दौरान उपयोग किया जाता है। चलिए ये जो हमारी सिक्स हेड सिस्टम है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। और इसमें एक जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो छह हेड है हमारी कौन कौन से कलर की है, निम्नलिखित में से कौन सा सिक्स थिंकिंग हेड सिस्टम में नहीं है वो हमें कलर बताना होता है। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ हमारा एग्जाम में, याद रखना, और हम आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे, उस दौरान आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले हम कलर की बात करते हैं। सबसे पहला कलर है हमारा वाइट कलर है दोस्तों, उसके बाद में लाल कलर है, रेड, फिर येलो है, पीला, फिर काला है, ब्लैक, फिर ग्रीन और फिर है ब्लू।
तो ये छह कलर है दोस्तों, ये छह कलर आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं इन छह कलर का क्या मतलब है। रुकिए, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाइट की। व्हाइट के अंदर, व्हाइट जो कलर है सफेद, इसके अंदर क्या चीजें होती है। इसके अंदर हम दोस्तों तथ्य और सूचनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यहाँ पे आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं, चीजों को आप इंग्लिश हिंदी दोनों में याद रखने की कोशिश किया करें दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में क्या पता क्या चीज समझ में आए हमें, ठीक है। तो इसके अंदर फैक्ट और लॉजिक की हम बात करते हैं। उसके बाद में आता है लाल कलर, इसके अंदर भावनाओं, अंतर्ज्ञान, संवेग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इंग्लिश में इसमें इमोशन और इंसिडेंट पे ध्यान दिया जाता है। और उसके बाद में हम बात करें दोस्तों पीला, येलो कलर, उसके अंदर क्या होता है, आशावाद, लाभ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। और इंग्लिश में इसमें पॉजिटिव आउटकम के ऊपर ध्यान दिया जाता है। ये दोस्तों, ये हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी सिक्स हेड सिस्टम है जिसमें पॉजिटिव आउटकम पे ध्यान दिया जाता है, तो वो कौन सा है दोस्तों, येलो हेड सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करते हैं काले पे, बात करते हैं ब्लैक हेड। ब्लैक हेड सिस्टम में क्या होता है, इसके अंदर सावधानी और गंभीर निर्णय पे ध्यान केंद्रित किया जाता है। गंभीर निर्णय इसमें लिए जाते हैं, सावधानी इसमें बरती जाती है, और दूसरे शब्दों में से नेगेटिव आउटकम इसके अंदर होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये देखो, जैसे काला जो शब्द है, जो काला रंग है, वो अशुभ माना जाता है हमारे इंडिया के अंदर, तो इस चीज से भी आपको आप इसे समझ सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों ग्रीन। ग्रीन के अंदर क्या होता है, सृजनात्मक चिंतन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, और जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, ये देखिए क्रिटिसिज्म पे ध्यान दिया जाता है इसके अंदर। तो ये हमारी पांच है, और छठा और मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर छठे के अंदर है ब्लू। ब्लू के अंदर हमारा क्या आता है दोस्तों, नीला। और इसके अंदर क्या है, प्रक्रिया नियंत्रण पर केंद्रित है, चेतन के बारे में सोच, रूपक मेटाकोग्निशन पे ध्यान दिया जाता है। इसके अंदर मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन आती है दोस्तों। देखिए, जैसे इसके अंदर नियंत्रण है, नियंत्रण क्या होता है, कंट्रोल करना, मैनेजमेंट करना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, संगठित करना, जो हमारे छात्र हैं उनको किस तरीके से संगठित करके हम क्लास में अच्छे से पढ़ा सकते हैं, और इसमें मैनेजमेंट आदि का रूप आदि का ध्यान रखा जाता है। तो ये चीजें दोस्तों, ये सिक्स हेड सिस्टम है, इसमें से हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं, वो क्वेश्चन करेंगे, आप लास्ट तक बने रहना, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आगे दोस्तों, अगर यहाँ पे आप इंग्लिश में देखना चाहें, ये ग्राफिक्स देखना चाहें, तो आप इनको भी देख सकते हैं। व्हाइट हेड सिस्टम के अंदर हम डेटा, फैक्ट, इंफॉर्मेशन की बात करते हैं हम, ठीक है। और रेड हेड सिस्टम के अंदर हम फीलिंग्स की बात करते हैं। ब्लैक हेड सिस्टम के अंदर हम नेगेटिव आउटकम की बात करते हैं। और येलो के अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यू एंड बेनिफिट की बात करते हैं। ब्लू के अंदर हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं, अभी हम करके आए ना ब्लू, ठीक है। और ग्रीन हेड सिस्टम के अंदर दोस्तों हम सॉल्यूशन और न्यू आइडियाज यानी कि क्रिएटिविटी की बात करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीजें दोस्तों, इन चीजों को आप ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे है हमारा शिक्षण मॉडल। शिक्षण मॉडल, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, एक दो क्वेश्चन आए हैं, वो मैं आपको बता दूंगा किस तरह से इसमें क्वेश्चन आए हैं। देखिए, शिक्षण मॉडल के अंदर क्या होता है, पाठ्यक्रम विकसित करने, देखो शिक्षण का जो मॉडल होता है उसमें क्या, किस चीज पे ध्यान देता है शिक्षक, पाठ्यक्रम विकसित करने, निर्देशात्मक लक्ष्यों को निर्धारित करने, और निर्देशात्मक सामग्री का चयन करने की योजना है, ठीक है। भाई हमें क्या सिलेबस पढ़ाना है, स्टूडेंट को किस तरीके से निर्देश देना है, और क्या हमें सामग्री प्रोवाइड करवानी है, ये सारी चीजों का प्लानिंग क्या कहलाते हैं, शिक्षण मॉडल इसमें कहलाता है। सिंटेक्स उस क्रम को संदर्भित करता है जिसमें एक पूर्ण निर्देशात्मक कार्यक्रम को व्यवस्थित करने के लिए कार्य किया जाता है। यानी कि जब हम क्लास में आते हैं तो हमारे माइंड के अंदर काफी तरह की चीजें होती है कि आज हमें कौन सी बुक पढ़ानी है, और उस बुक में कौन सा लेसन पढ़ाना है, कितनी देर तक पढ़ाना है, प्रैक्टिकल वर्क करवाना है या नहीं करवाना। तो उस पूरे कार्यक्रम को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, सिंटेक्स कहलाता है। और शिक्षण प्रतिमान में पांच तत्व कौन से हैं, फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन और स्पोर्ट सिस्टम। ये आप ध्यान दे लेना, अभी तक इसमें ये जो क्वेश्चन आया है सिंटेक्स से, क्वेश्चन एक इसमें से आया है,
ये चीज याद रखना। और सिंटेक्स के अंदर आगे क्या है दोस्तों, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग सिंटेक्स, ठीक है, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर छह स्टेज दिए गए हैं। छह स्टेज के अंदर क्या होता है दोस्तों, पहले स्टेज के अंदर, ये छह के छह स्टेज आप अच्छे से याद रखना क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है हमारा। ये छह के छह स्टेज हमें सीक्वेंस वाइज लगाने हैं, पहले कौन सा स्टेज आएगा फिर कौन सा आएगा। सबसे पहला जो स्टेज होता है जो दोस्तों, उसमें क्या होता है, शिक्षार्थियों का सामना कठिन परिस्थितियों से होता है। सबसे पहले उनको कोई प्रॉब्लम दी जाती है, उससे उनका सामना होता है। दूसरे चरण के अंदर क्या होता है, शिक्षार्थी स्थिति पर प्रतिक्रियाओं का अन्वेषण करते हैं, यानी कि जो प्रॉब्लम उन्हें दी जाती है उनको एनालिसिस करते हैं, उसको उसका अवलोकन करते हैं, देखते हुए प्रॉब्लम क्या है, इसको हम कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। तीसरे चरण के अंदर शिक्षार्थी अध्ययन कार्यों को तैयार करते हैं और अध्ययन के लिए व्यवस्थित करते हैं, समस्या की परिभाषा क्या है, उसके लिए क्या कार्य किया जा सकता है, ठीक है, तो उसकी मैनेजमेंट करते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं, उस जो सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करने की तैयारी करते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं। अगले चरण में स्वतंत्र और समूह अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर क्या है, वो इंडिविजुअल और इंडिविजुअल तरीके से उसका सॉल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे और प्लस में समूह में। आगे हम बात करते हैं पांचवा जो चरण है, शिक्षार्थी प्रगति और प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं, यानी कि पीछे के जो चार स्टेप है उन्होंने क्या किया है, समस्या का सॉल्यूशन कहाँ तक हो गया है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि जो भी प्रोग्रेस उनकी हुई है उसको वो एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और लास्ट के अंदर क्या करते हैं, पुनरावर्ती गतिविधि, यानी कि उसको दोबारा दोहराते हैं उस प्रॉब्लम, वो मतलब उन्होंने अपनी ओर से सब सारी चीज़ें सही कर दी। जैसे मान के चलिए कोई बच्चा है, बच्चे ने गाड़ी बनाई, गाड़ी बनाने के बाद क्या करेगा, वो ट्रायल लेगा ना उसका, उसको चला के देखेगा कि कैसे चल रही है नहीं चल रही। और आप लोग क्या करते हो, आप लोग मॉक टेस्ट लगा लगा के देखते हो, है ना, तो आपको भी मॉक टेस्ट लगा के देखने हैं, आपको अपने आप को देखना कि आपको कितना आया है या नहीं आया। और मैं आपको बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि थ्योरी के बाद में हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए वो हम करेंगे, चलिए। और इन फेजेस को आप यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो दोस्तों ये आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट एनकाउंटर पजलिंग सिचुएशन, ठीक है, स्टूडेंट एक्सप्लोर रिएक्शन टू द सिचुएशन, वो सारी चीज़ें वही है दोस्तों जो हमने ऊपर दी हुई है। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से इसको समझ लेना, जी। चलिए इसके बाद में हम आगे बात करते हैं दोस्तों, 4RS अप्रोच मॉडल। देखिए इसके अंदर क्या होता है, बच्चों को अपने अनुभव बच्चों को अपने स्वयं के अनुभवों को और अधिक बारीकी से देखने के लिए द्वार खोलता है, यानी कि 4RS पाठ्यक्रम जो मॉडल है इसके अंदर क्या होता है, जो बच्चे हैं वो स्वयं कितना सीख सकते हैं उसके लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है इसके अंदर। और इसके अंदर 4RS का मतलब क्या है दोस्तों, 4RS का मतलब ये होता है, इसके अंदर बच्चा क्या है, वो पढ़ता है, खुद पढ़ता है, लिखता है, सम्मान प्राप्त करता है और संकल्प निर्धारित करता है, एक एम डिसाइड करता है, मेरे को अब की बार 80% से ज्यादा नंबर लेके आने हैं, वो खुद एम डिसाइड करता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो मुख्य रूप से चीजें दोस्तों वो जो एग्जाम में हमारे आई है वो मैं बता देता हूँ। इसके अंदर हमारा 4RS ऑफ कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या क्या है, जो बच्चा निर्धारित करता है वो रीडिंग करेगा, राइटिंग करेगा, रिस्पेक्ट करेगा और रेजोल्यूशन बनाएगा, ठीक है। ये पढ़ना लिखना समार और संकल्प, ये सारी चीज़ों की वो प्लानिंग करता है। और यही हमारी एग्जाम के अंदर आई हुई है कि 4RS मॉडल के अंदर निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ नहीं है, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये दोस्तों ये हमने पीछे की जो क्लास है मॉडल ऑफ टीचिंग क्लास नंबर 2 शायद, हाँ उसके अंदर हमने ये किया हुआ है, लेकिन फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ थोड़ा। इसके अंदर हमारी चार स्टेज होती है, जीन पियागेट संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो है उसकी चार स्टेज होती है, इन चार स्टेज से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसको आप याद रखना। ये चार स्टेज क्या होते हैं दोस्तों, बच्चे सीखने के चार अलग अलग चरणों से गुजरते हैं। कोई भी बच्चा होता है वो जब छोटा बच्चा होता है 2-3 साल का तब अलग तरीके से सीखता है, जब 5 साल का होता है तो अलग तरीके से सीखता है। तो हर
उम्र में वो अलग अलग तरीके से सीखता है, तो वो क्या क्या स्टेज है वो हमें पता होना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों सेंसोरी मोटर स्टेज, ये कब से लेके कब तक होती है, जन्म से लेके 2 साल तक होती है। ये हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों मेस द कॉलम में आया हुआ है, तो इसको आप ध्यान रखना। प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसके अंदर क्या होता है 2 से लेके 7 साल तक ये होती है। उसके बाद में ठोस संचालन स्टेज, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों 7 से लेके 11 साल तक इसकी उम्र होती है बच्चे की। आप यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों में देख सकते हैं, हमने इंग्लिश हिंदी दोनों में नोट्स बनाए हैं आपके लिए ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। आगे हम बात करते हैं दोस्तों औपचारिक परिचालन चरण, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये होती है 12 साल से ऊपर की जो स्टेज होती है वो होती है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, मेज द कॉलम में ये क्वेश्चन आएगा आपका। आगे हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आप ये ग्राफ भी देख सकते हैं, ये देखो ये पूरा पूरा ग्राफ आप यहाँ से देखना चाहे तो आप ये देख सकते हैं अच्छे से समझने के लिए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों द थ्योरी ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये दो इसमें से दोस्तों करीब 3 से 4 क्वेश्चन आज तक हमारे एग्जाम में आए हैं और मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इसमें से क्वेश्चन आए हैं। और इसको हिंदी में समीपस्थ विकास की अवधारणा कहते हैं। और दोस्तों आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश में थ्योरी को याद रखने की कोशिश किया करें, उनका जो नेम है वो इंग्लिश में याद रखने की कोशिश किया करें, क्योंकि हिंदी में शब्द अलग अलग यूज किए जाते हैं काफ़ी बार, क्योंकि जो एग्जामिनर है कई बार ये क्या करते हैं गूगल ट्रांसलेटर का उपयोग करते हैं और वो क्या का क्या ही बना देते हैं। तो इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जीआरएफ चाहिए अच्छे से स्टडी करने के लिए आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में पता होना चाहिए। और इसे किसने दिया था दोस्तों, ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि इस थ्योरी को किसने दिया था, तो वायगोत्स्की ने ये दिया था, लेव वायगोत्स्की ने ये थ्योरी दी थी। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, एक शिक्षार्थी बिना सहायता के क्या कर सकता है, और जब उसे सहायता मिल जाए, उसे गाइड मिल जाए, तो वो क्या कर सकता है, ये चीज है दोस्तों। इन चीज का जो इन्होंने डिफरेंस देखा है इसी को इन्होंने द थ्योरी ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा है। एक शिक्षार्थी बिना सहायता के क्या कर सकता है और एक कुशल साथी से मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के साथ क्या हासिल कर सकता है के बीच के अंतर को संदर्भित करता है ये जो थ्योरी है, ठीक है। और इस प्रकार समीपस्थ का मतलब होता है दोस्तों प्रॉक्सिमल, ठीक है, शब्द उन कौशलों को संदर्भित करता है जो शिक्षार्थी महारत हासिल करने के करीब है। यानी कि ऐसे कौन सी चीजें हैं, जैसे हम किसी बच्चे को हमने 2 बच्चे लिए, ठीक है, एक बच्चे को हम कुछ भी नहीं कर रहे, वो अपने हिसाब से पढ़ रहा है, एक बच्चे को क्या है कि हम उसे शाबाशी दे रहे हैं, जब भी वो कोई क्वेश्चन सही करता है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आता है तो उसे हम शाबाशी देते हैं, तो क्या है कि वो क्लास के अंदर बहुत ज्यादा नंबर आए, तो हमें पता चल गया कि उसे मोटिवेशन देने से क्या है कि उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो वो हमें पता चल जाता कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे शिक्षार्थी महारत हासिल कर सकता है उसके अंदर जी। तो ये दोस्तों इसे ZPD डेवलपमेंट मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से तो इसमें यही चीजें हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज नाउन, बच्चा क्या जानता है, व्हाट इज नॉट नाउन, बच्चा क्या नहीं जानता, इन दोनों के डिफरेंस को जानना ZPD डेवलपमेंट मॉडल है ये। आगे हम बात करते हैं दोस्तों मॉडल ऑफ टीचिंग, इनसे मॉडल ऑफ टीचिंग ये कुछ वैसे तो देखा जाए दोस्तों बहुत से हमारे मॉडल है टीचिंग के जो हमारे यूजीसी नेट एग्जाम में आए हैं, उन्हीं मॉडल को मैं आपको करवा रहा हूँ। देखिए डेविस जॉनसन ने सकारात्मक अन्योन्याश्रय सिद्धांत पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंट थ्योरी का निर्माण किया था, विकसित किया था। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, एक व्यक्ति की सफलता समूह की सफलता पर निर्भर करती है, इसे सकारात्मक अन्योन्याश्रयता के रूप में जाना जाता है। यानी कि एक जो बच्चा है जो किसके ऊपर डिपेंड है और किस इंडिपेंडेंट है या डिपेंड है वो कैसे पता चलेगा हमें, जब वो विकास करेगा तो हम उसके पीछे देखेंगे कि इसमें इसके ग्रुप का कितना सहयोग है, ठीक है।
ठीक है, या फिर उसने कितना इंडिपेंडेंटली उसने कितना वर्क किया है। और वैसे देखा जाए तो दोस्तों एक व्यक्ति की सफलता जो होती है समूह की सफलता पर निर्भर करती है, एक पूरा ग्रुप मिलके किस तरीके से काम कर रहा है वो बहुत मायने रखता है जी। इसमें जो क्वेश्चन आया दोस्तों, मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट इन्होंने पूछा हुआ था कि पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंट थ्योरी किसने दी थी, तो डेविड जॉनसन ने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों, रॉबर्ट ई साल्विन ने संरचित अनुसंधान स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी प्रणाली का सुझाव दिया था। छात्र एक निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रश्न की जांच करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इस प्रणाली में छात्र एक निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से, एक पूरा प्लानिंग होती है, एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है क्लास के अंदर, भाई आज हम इस तरीके से क्वेश्चन सुनेंगे। जैसे मान के चलिए कई बार क्लास के अंदर आते तो स्टूडेंट को बोलते ना कि सभी स्टूडेंट अपनी अपनी कॉपी निकाल लीजिए और चार क्वेश्चन देंगे, इस चार में से आपको तीन क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, शिक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रश्न की जांच करते हैं, यानी कि शिक्षक क्या है, एक निर्धारित प्लानिंग के तहत छात्र से क्वेश्चन आंसर करता है। ठीक है, ये देखो इसी का मतलब है ना, देखो स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर क्या होता है, संरचना बनाना किसी चीज की, डिजाइन बनाना। ठीक है, उसके जरिए इंक्वायरी करना, सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा इसमें समझने वाली बात है ही नहीं है। ठीक है, मेन इसमें ये देख लेना, रॉबर्ट ई साल्विन ने ये स्ट्रक्चर दिया था, स्ट्रक्चर इंक्वायरी दी थी। ये देखो इसको ऐसे याद कर सकते, रॉबर्ट का क्या हो गया आर हो गया, स्ट्रक्चर का क्या हो गया एस आर एस। ठीक है, इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, फेनी और सॉफ्टेल का शैक्षणिक नेतृत्व, देखो फेनी और सॉफ्टेल कंट्रीब्यूटर टू एजुकेशनल लीडरशिप। ठीक है, ये इन्होंने थ्योरी दी थी। इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है, शिक्षण में भूमिका निभाने के उपयोग पर अपना शोध प्रबंध लिखा। इन्होंने क्या कि शिक्षक जो है शिक्षण में अपनी क्या भूमिका निभाता है उसके ऊपर इन्होंने शोध लिखा था जी। उन्होंने भविष्य में कई शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा में भूमिका निभाने के लिए प्रशिक्षित भी किया था। इन्होंने बताया था एक टीचर को कि वो किस तरीके से अपना सहयोग दे सकते हैं टीचिंग के अंदर, टीचिंग को बेटर किस तरीके से कर सकते हैं। तो कंट्रीब्यूटर टू एजुकेशनल लीडरशिप ये किसने दिया था, फेनी आर सॉफ्टल ने ये दिया था। कुछ ज़्यादा इसके अंदर क्वेश्चन आए नहीं है, फिर भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, क्या पता इन फ्यूचर इनमें से क्वेश्चन आ जाए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, डोनाल्ड ओलिवर और जेम्स सेवर ने शिक्षण का एक मॉडल पेश किया जिसे शिक्षण का न्यायशास्त्रीय अनुसंधान मॉडल भी कह सकते हैं, और यहाँ पे आप इंग्लिश में भी इसे देख सकते हैं। यह मॉडल छात्रों को समकालीन मुद्दों के बारे में व्यवस्थित रूप से सोचने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। समकालीन मुद्दे जो हमारे प्रेजेंट टाइम के जो मुद्दे होते हैं उनके बारे में किस तरीके से सोचना है, कैसे उनको उनका सॉल्यूशन करना है, उसके बारे में ये मॉडल तैयार किया था। ठीक है, तो ये है चीज़ें इसके अंदर, और एक मिनट आप इसका इरेज मैं कर देता हूँ, एक मिनट। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हमारा जो मॉडल है वो है, एक मिनट यार ये क्या हो गया, रुको। आसुवेल्स थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग, ठीक है एक मिनट, हाँ ड्रॉ ये ले लिया हमने, आसुवेल्स थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, कई चीजें हमें ध्यान रखनी है, और इसमें से हमारे दो से तीन क्वेश्चन आए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, आप बने रहना हमारे साथ। इसे 1960 के दशक में रटकर सीखने के विपरीत बनाया गया था। ठीक है, डेविड आसुवेल द्वारा पहले जो रटकर सीखते थे चीजें, उसके विपरीत एक मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी का इस्तेमाल किया गया था। मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग, देखिए जैसे नाम से पता चल रहा है कोई भी चीज हम याद कर रहे हैं तो वो मीनिंगफुल, उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। ये नहीं है कि हमने कोई चीज रट ली और उसका अर्थ हमें पता ही नहीं है कि उसका इसका मतलब क्या है, नहीं। इन्होंने ये कहा था कि रटकर सीखने की बजाय हमें उसको अच्छे तरीके से याद करना चाहिए, उसका मतलब हमें पता होना चाहिए। इसका संबंध इस बात से है कि कैसे व्यक्ति स्कूल सेटिंग में मौखिक प्रस्तुतिकरण से बड़ी मात्रा में अर्थपूर्ण सामग्री सीखते हैं। वो एनालिसिस करते थे
कि स्टूडेंट किस वे में सीख रहे हैं और वो जो चीज़ें याद कर रहे हैं उनसे कितना अर्थपूर्ण चीज़ें सीखी उन्होंने, कितना वो मतलब जानते हैं। सार्थक मौखिक शिक्षा, देखिए हिंदी में इसको क्या कहते हैं, सार्थक मौखिक शिक्षा सिद्धांत कहते हैं, और ये काफ़ी हद तक किस पे अवधारणा सीखने से मेल खाती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना चाहिए कि मतलब क्या है, क्या क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हम सीख रहे हैं, इससे रिलेटेड है। ठीक है, और आगे है दोस्तों हमारा इसके अंदर आप यहाँ पे इसको सेम इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी की पूरी ये थ्योरी इंग्लिश में भी देख सकते हैं जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको थ्योरी तो समझ में आ गई होगी। अब हम इससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन करने वाले हैं जी। तो क्वेश्चन मैं बताता हूँ दोस्तों, आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं और ये थ्योरी आप किस तरीके से कहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो सभी क्वेश्चन देखते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए सिंपल आपको गूगल में आना है और यहाँ पे लिखना है UGC NET Teaching Aptitude 2023 और यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आप देखिए क्या लिखना है, NTA UGC NET.com.in। ठीक है, ये पूरी आप लाइन याद रख लेना दोस्तों, क्या है ये UGC NET Teaching Aptitude 2023 और बाद में हमारी वेबसाइट का नेम लिखना आपको NTAUGCNET.co.in, .com नहीं है दोस्तों, .co.in है। ठीक है, इसको आपको एंटर करना है। यहाँ पे आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके सामने ये देखिए ये हो गया कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड फॉर UGC NET इन हिंदी। ठीक है, और ये देखिए 2023 है और ये 15 दिसंबर 2022 को ये पोस्ट हमने बनाई है। इस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं दिखाता हूँ इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे आए हैं जी। और इस वेबसाइट पे दोस्तों आपको पेपर फर्स्ट और सेकंड के फ्री में स्टडी नोट्स आप ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे फ्री में दी हुई है। देखिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए वो मैं आपको दिखाता हूँ, और ये पूरी की पूरी टीचिंग एप्टीट्यूड की हमने वो बनाई हुई है, पोस्ट बनाई हुई है। आप सबसे नीचे आ जाइए, लास्ट के अंदर आ जाइए, यहाँ पे देखिए ये आ गए हमारे क्वेश्चन। ये देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड UGC NET 2021 क्वेश्चन, और इसको हम बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन था दोस्तों वो ही था ना, सिक्स थिंकिंग हेड सिस्टम से हमारा क्वेश्चन था। तो इसमें देखिए, इसमें ये कहा गया है इसमें व्हाइट हैट से क्या मतलब है हमारा, वो हमें बताना, रेड हैट, ब्लैक हैट और ग्रीन हैट। ये देखिए यहाँ पे ब्लैक का मतलब मैंने बताया था ना आपको, एक ट्रिक बताई थी, ब्लैक का मतलब क्या होता है, काला होता है। ब्लैक का मतलब क्या होता है, काला होता है, काला अशुभ हमारे लिए माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए अशुभ कहाँ पे है, इसमें, यहाँ पे अंतर्ज्ञान भावनाएं, रचनात्मक किस में होता है हमारा, ग्रीन के अंदर होता है। रचनात्मक किस में था, ग्रीन के अंदर। तो डी का क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, डेटा गैदरिंग फैक्ट। ठीक है, फैक्ट की बात किसके अंदर की थी हमारी, डेटा गैदरिंग और फैक्ट की बात किसके अंदर की थी हमने, व्हाइट हैट के अंदर की थी। ठीक है, ये दो चीजें मैंने आपको बता दी दोस्तों, और आगे आपको देखना है। ये देखिए सी डी का हमने क्या दिया था, 3 दिया था, डी का थ्री किसमें, ये रहा डी का 3, ये रहा इसके अंदर। ठीक है, और व्हाइट हैट का क्या था हमारा, डेटा गैदरिंग, ए का टू ये रहा दोस्तों, ये देखिए ए का 2 और डी का 3 हमारा ये मिल गया। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 2 इसका राइट आंसर होना चाहिए। और बी का इन्होंने क्या दिया है, 4 दिया है, रेड के अंदर क्या होता है, इंट्यूशन एंड इमोशन, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये चीजें हमने की थी। तो इसका आंसर देख लेते दोस्तों, आंसर है इसका, वाव क्या बात है, ये देखिए इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, ये चीजें मैंने आपको बताई थी ना। तो ये है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन सिक्स थिंकिंग हेड सिस्टम। सिक्स थिंकिंग हेड सिस्टम के अंदर कौन कौन सी हेड है हमारी, वो हमें बतानी है। देखिए ब्राउन हैट, व्हाइट हैट, वॉयलेट हैट,
रेड हैट, ब्लैक हैट, बताइए कौन सा, क्या आंसर आएगा दोस्तों आप इसका, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देना है, मैं चेक करूंगा सभी दोस्तों के, और जिसका सही पाएगा उसे मैं क्या दूंगा, उसे मैं इनाम दूंगा, ठीक है, मूंगफली दूंगा, सर्दी का मौसम चल रहा है तो मूंगफली खाने मजा आएगा जी। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है सभी को, जो जो लिखेगा मैं उसको इनाम दूंगा याद रखना, और जो नहीं लिखेगा उसे मैं मुक्का दूंगा जी। यार मुझे आप लोगों को जियारफ करवाना भैया, कुछ भी हो जाए जी, बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे हम करते दोस्तों, अरेंज द फेज ऑफ सिंटेक्स ऑफ ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल, ये मैंने बताया था ना ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल के अंदर बच्चा क्या क्या करता है वो हमें बताना है, ये स्टेज मैंने बताई थी आपको। देखिए ये क्या है हमारा, जैसे यहाँ पे पजलिंग का ये रहा, देखो स्टूडेंट एनकाउंटर पजलिंग सिचुएशन नंबर एक पे, सबसे पहले बताया था ना स्टूडेंट के सामने कोई समस्या आती है, सबसे पहले क्या आती है उसे एक पजलिंग क्वेश्चन दिया जाता है और वो समस्या का सामना करता है सबसे पहले, तो इसमें क्या आएगा स्टेज में, सबसे पहले क्या आएगा सी आएगा, सी किसके अंदर है हमारा थ्री के अंदर है, ये देखिए थ्री के अंदर है ना, और उसके बाद में क्या आएगा हमारा, हम बात करते हैं स्टूडेंट एक्सप्लोर, उस जो सिचुएशन उसे दी है उस सिचुएशन को वो एक्सप्लोर करेगा ना, उस समस्या को वो एक्सप्लोर करेगा, देखेगा भाई क्या है प्रॉब्लम, क्या है दिक्कत, क्या है ना, तो राइट इसका क्या हो जाएगा फिर सी ई हो जाएगा, सी ई सी और ई ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या क्या होगा ए, ए के अंदर क्या है स्टूडेंट फॉर्मुलेट स्टडी टास्क एंड ऑर्गेनाइज फॉर स्टडी, वो फिर उसे पूरा ऑर्गेनाइज करेगा किस तरीके से मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट करनी है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर थ्री होना चाहिए। वाओ क्या बात है जी दोस्तों, राइट आंसर इसका बिल्कुल सही है, थ्री इसका राइट आंसर है जी। और आपको भी ये क्वेश्चन करने हैं तो मैंने तरीका आपको बता ही दिया है कैसे करने हैं, कहां से आपको देखने जी। आगे दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स के अंदर, द फोर आर एस अप्रोच टू कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या है, क्या क्या चीजें हमारी फोर आर एस मॉडल के अंदर, रीडिंग राइटिंग रिस्पेक्ट रेप्रीमेंड रेजोल्यूशन, क्या चीजें हैं इसके अंदर, मैंने चार चीजें बताई थी आपको बहुत अच्छे तरीके से, अगर तुमने गलत कर दिया देख लेना पिटाई कर दूंगा तुम्हारी, मुझे जियारफ दिलवाना आप लोगों को, उसके लिए मैं पिटाई भी कर सकता हूँ आपकी, कुछ भी कर सकता हूँ जी। तो इसका क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स के अंदर, जल्दी से जल्दी लिखिए ठीक है, और जो देगा आंसर देगा सही आंसर देगा उसे मैं मूंगफली दूंगा ठीक है जी। और आगे बहुत से क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिए हुए दोस्तों, इस इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों, मैच द फॉलोइंग, ये देखो स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये दिए थे ना, ये दिए थे ना, फॉर्मल ऑपरेशन हो गया, कंसंट्रेट ऑपरेशनल हो गया, प्री ऑपरेशनल हो गया, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी और उनकी स्टेज क्या क्या है, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और राइट आंसर जानना है तो आपको क्या लिखना है गूगल के अंदर, क्या लिखना है टीचिंग एप्टीट्यूड यूजीसी नेट या यूजीसी नेट टीचिंग एप्टीट्यूड 2023, और लास्ट में एक चीज जरूर लिखना ntaugcnet.co.in, ये चीज जरूर लिखना तभी ये साइट आपके सामने ओपन होगी। तो इसका आंसर आपको देना है दोस्तों। और आगे दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है, द थ्योरी ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट वाज प्रपोज्ड बाय, ये किसने दी थी ठीक है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी किसने विकसित की थी, कमेंट बॉक्स में आंसर दो इसका क्या होगा ठीक है। इसका बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन नंबर छह का आंसर देना आपको। उसके बाद में दोस्तों हमारा मॉडल ऑफ टीचिंग, मॉडल ऑफ टीचिंग आगे हमारे मैंने करवाए थे ना आपको मॉडल ऑफ टीचिंग, अब देखिए इसके अंदर क्या आएगा हमारा, स्ट्रक्चर इंक्वायरी आ गया, रोल प्लेइंग आ गया, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन आ गया। अच्छा एक मैंने आपको तरीका बताया था ना, एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि यहाँ पे क्या है रॉबर्ट सेल्विन है, रॉबर्ट और यहाँ पे रॉबर्ट का क्या आर और स्ट्रक्चर का एस, आर एस मैंने आपको बताया था ना, इस पे लिखा जाएगा क्या, मैं लिख के देखूं, नहीं लिखा तो नहीं जा रहा, लिखा नहीं जा रहा इस पे, एक मिनट रुकना, अरे रुको लिखा नहीं जा रहा, कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था आर एस, रॉबर्ट का आर ले लो ठीक है और स्ट्रक्चर का एस ले लो, तो आर एस हो गया ना, तो ये क्या बी का क्या हो जाएगा हमारा,
वन हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक, बी का वन हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं ग्रुप इन्वेस्टिगेशन। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या था हमारा, फैनी साफ्टेल था, ठीक है, सी का टू हो जाएगा। बी का वन किसके अंदर भैया, बी का वन इसके अंदर है, ठीक है, और सी का टू नहीं, ये तो अलग आ रहा है भैया, इसका तो अलग आ रहा है ना, चलिए कोई नहीं। सी का टू, चलिए इसका आंसर देखते दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा देख लेते। इसका आंसर ए दिया दोस्तों इन्होंने, ए के अंदर क्या है, ए का थ्री है। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंट का क्या आएगा, रोगर जॉनसन आ गया, ठीक है। उसके बाद में बी, बी के अंदर क्या है, स्ट्रक्चर इंक्वायरी का वन आ गया। ये तो हमने, मैंने आपको बताया था बिल्कुल, ये तो हमने बिल्कुल सही दिया है, स्ट्रक्चर इंक्वायरी का रॉबर्ट सालविन था, ठीक है। सी का फोर, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन में आएगा जॉन डोरी, हाँ जॉन डोरी था, ठीक है। रोल प्लेइंग के अंदर आएगा हमारा फैनी साफ्टेल, जी बिल्कुल सही दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन करने भाई, और आगे भी हमारे काफ़ी क्वेश्चन है, ये रहे क्वेश्चन और ये रहे सारे क्वेश्चन, ये आप कर लेना। और ये जो पोस्ट है हमारी ntaugcnet.co.in वेबसाइट पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सारी की सारी थ्योरी भी यहाँ पे मिल जाएगी, तो आप इसे भी कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों इस पोस्ट में बहुत कुछ हमने दिया हुआ है, और ये देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे शिक्षण की परिभाषा है, शिक्षण क्या है, शिक्षण का अर्थ है, शिक्षण के चरण, पूरा जो नोट्स है लगभग यहाँ पे हमने दिया हुआ है जी, माइक्रो टीचिंग दिया हुआ है यहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे दी हुई है, और यूनिट वाइज सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करना, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर आपको कंप्लीट स्टडी नोट्स चाहिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन हमने दे रखे हैं दोस्तों। अभी हमने केवल 4 से 5 क्वेश्चन ही किए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, और भी हमारे बहुत से क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, 15 से 20 क्वेश्चन। अगर आपको वो सभी क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारा पेड कोर्स ज़रूर ज्वाइन करना। ये पेड कोर्स दोस्तों पेपर फर्स्ट का है, और इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मिलेगी। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, ऑल टाइम यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, ऑल टाइम यूनिट की एड फ्री वीडियोज़ मिलेंगी, 2012 से लेके अभी तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी इंग्लिश में दिए जाएंगे, 2012 से लेके 2023 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन आपको यूनिट वाइज अलग अलग किए हुए मिलेंगे क्वेश्चन। जैसे कि आज तक जो भी क्वेश्चन हमारे रिसर्च का है वो अलग है, टीचिंग के अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, और इसमें दोस्तों सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग अलग मिलेंगे। सब टॉपिक वाइज का मतलब क्या है, जैसे कि हम बात करें रिसर्च के अंदर, टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ सैंपलिंग, टाइप ऑफ हाइपोथीसिस, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। और प्लस में दोस्तों आपका लाइव मॉक टेस्ट होगा हमारी ऐप में, और वीडियोज़ के जरिए भी आपका लाइव मॉक टेस्ट लिया जाएगा। और किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8708321010। और इसे ज्वाइन करने के लिए दोस्तों ये वेबसाइट पे हमने जो पोस्ट बनाई है इसके नीचे आ जाना सबसे लास्ट में, वहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताना, और एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, और आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, और हम आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।